नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी कहानी सुनेगा और आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो मेरी कहानी सुनने से पहले मैं भाव समझा दूं कि जब ये कलयुग आया, कलयुग किस तरह इसने अपने पांव फंसाए और किस तरह कलयुग ने पूरे जगत में और ऐसी बुराइयां फैलाई जिससे आपको अभी भी पीड़ा होती है और ऐसे लोग भी मिलते हैं। पहले मैं आपको एक सारी सुनाना चाहूंगा। तुम कलयुग की आड़ में क्या नशा और क्या ही अभिमान करते हो, जो मिल जाए ऐसा तुम नीच काम करते हो। और ऐसा दौर आया कलयुग का कि तुम ऐसा ऐसा गंदा काम करते हो, शर्म कर। लगभग 5000 साल पहले जब महाभारत जैसी एक घटना घटित हुई, तो महाभारत में जब कौरवों की इतनी बुरी हार हुई, वो उस बुरी हार का जिम्मेदार दुर्योधन हुआ। तो महाभारत जैसी घटना घटित इसलिए हुई कि उसमें कई सारे ऐसे अहम रोल थे जिन्होंने महाभारत जैसी घटना को करवाया। ऐसे कई किरदार थे जिन्होंने महाभारत को करवाया। पांडवों की विजय हुई तो पांडवों ने उसमें शासन किया, हमारे युधिष्ठिर ने अपनी राजगद्दी संभाली और उन्होंने शासन किया। तो राजा युधिष्ठिर, तो फिर उन्होंने कुछ शासन काल तक उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली। उन्होंने कहीं अपने हिमालय की ओर प्रवेश किया अपने भाइयों के साथ। तो तब जाते जाते उन्होंने एक काम किया कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया, उनको राजगद्दी सौंप। और परीक्षित भी युधिष्ठिर जैसे महान व्यक्ति, महान राजाओं में से एक थे। और उनका चरित्र, जब उनका नाम स्मरण किया जाता था तो उनका नाम पूरी प्रजा में गूंजता था, परीक्षित। तो ऐसे महान राजा जो ऐसी दयालुता रखते हो, जो प्रजा की हर एक बात मानते हो, एक सुंदर ज्ञान रखते थे, क्या वो बात करते थे, क्या वो अंदाज रखते थे और अपने प्रजा में एक ऐसा काम करते थे। तो उस कहानी का भाव ये है साहब, जब परीक्षित कहीं जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति बैल और गाय को मार रहा है। तो परीक्षित उनके पास गए और उनको कहा कि आप अपना परिचय बताएं। और इस काले व्यक्ति जो उस बैल और गाय को मार रहा था, उसने कहा, मैं तो हूं ये कलयुग। परीक्षित ने कहा, तुम इनको क्यों मार रहे हो साहब, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, हे द्वापर युग के अंतिम राजा, आप मेरी बात सुनिए, आपका समय खत्म हो चुका है। तो आप अंतिम राजा है द्वापर युग के, जो कलयुग है, तो मेरा अभी समय आने वाला है और आ चुका है, तो इसलिए आया हूँ और इसमें द्रौपदी से कलयुग में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो इस कलयुग में मुझे प्रवेश लेने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए और मुझे प्रवेश चाहिए। परीक्षित ने कलयुग से कहा कि चार रास्ते हैं कलयुग जहाँ तुम प्रवेश कर सकते हो, जहाँ तुम इस कलयुग में प्रवेश कर सकते हो। चार रास्ते में पहला ये है कि जहाँ नशा हो, जहाँ जुआ हो और जहाँ हिंसा हो। चौथा, जहाँ व्यभिचार यानी स्त्री और पुरुष में गलत संबंध। ये फिर कलयुग ने कहा कि इन चारों में से कोई भी मुझे पर्याप्त लगा है, कुछ 500 रास्ता बताएगा। फिर उन्होंने 500 रास्ता बताया कि जहाँ पर सोना हो तो वहाँ से भी तुम प्रवेश कर सकते हो, यानी प्रवेश कर सकते। जहाँ लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, जहाँ लोग गलत तरीके से धन को अर्जित करके रखते हैं, वहाँ से तुम भी प्रवेश कर सकते हो। कहने का भाव समझे, यानी कलयुग को बताया 5 ऐसे गंदे काम करने वाले जहाँ पर इस कलयुग में पर्याप्त है, दिख जाता है। तो यही एक संदेश देना चाहते हैं हमारे परीक्षित। तो राजा परीक्षित का भाव यह है कि कलयुग का मतलब है बुराई। जहां बुराई व्याप्त होती है वहां कलयुग है। जहां भी आपको बुराइयां दिखती है, जैसे कि क्रोध, चोरी और नशा, जुआ और हिंसा और गलत तरीके से कमाए हुए धन और गलत तरीके से बनाए हुए संबंध और स्त्री पुरुष के बीच में जो भी संबंध होते हैं गलत तरीके से, तो उनका भी एक कलयुगी है, ये कलयुग जिम्मेदार है। ये कलयुग खुद में ही एक बुराई का प्रतीक है। जो व्यक्ति इनमें से कोई भी कार्य करता है, कोई भी एक कार्य करता है, कोई कलयुग के दौर में जी रहा है, वो व्यक्ति पूरा ही खत्म हो जाएगा। उसके विचार खत्म हो जाएंगे और उसके सोचने की क्षमता खत्म होने लग जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका बुरा समय आएगा जो उस व्यक्ति को ले डूबेगा, और ऐसा डूबेगा कोई भी प्रकार की उसका पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था। तो आपका नामो निशान मिट जाएगा दोस्तों, जब आप चारों या पांचों में से कोई भी ऐसा काम करते हुए कहीं दिख गए। किसी को तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन समझ लीजिए दोस्तों, जब आप इन पांचों में से कोई ऐसा कार्य करते हो तो आपका बुरा समय तभी से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे ये काम कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं। यहाँ हम तो देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है या सही लग रहा है, गलत लग रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जैसा समझ रहे हैं वो वैसा बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसा कार्य करते हैं वो वैसा आप कार्य भोगोगे। ये बात समझिएगा दोस्तों, जैसा कार्य करोगे वैसा भोगोगे। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और मैं समाप्त करता हूँ अपना वीडियो। धन्यवाद जी।